गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 7th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 5.5 एंड एमसीक्यूज फ्रॉम द आर डी शर्मा बुक. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. सो स्टूडेंट्स बेटा फोकस ऑन द बोर्ड. अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1. बेटा सभी पढ़ेंगे. क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमें क्या करना है, डिवाइड. तो बेटा हमारा काम है जहां को दिख रहा है बाय, बाय को हटा के क्या लगाना है, डिवाइड. 9 बाय माइनस 16, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहले वाला रैशनल नंबर एज इट इज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और बाद वाले का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, माइनस 16 बाय व्हाट, 9. आई बात समझ में. नाउ फोकस, कुछ कट रहे हैं, 4 1 4 4 4 16, 3 1 3 3 3 9, इजी. माइनस टू माइनस प्लस, 4 1 4, 3 1 3, सो दिस इज द आंसर. इजी है. फोकस क्वेश्चन नंबर 4, सभी ध्यान देंगे. क्या बताया आपको, पहले वाला एज इट इज डिवाइड की जगह बाय की जगह डिवाइड, माइनस 21 बाय 16. क्लियर है, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, वी यूज ब्रैकेट. आई बस ऑन में. नेक्स्ट स्टेप, पहले वाला एज इट इज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, बाद वाले का उल्टा, 16 बाय माइनस 21. आई बस ऑन में. फोकस, 8 1 8, 8 2 16, माइनस से माइनस कट, 7 1 7 3. क्लियर है, क्या बचेगा बेटा, 2 1 2 अपॉन 3 1 3, सो दिस इज द आंसर. आई बात समझ में. सभी क्वेश्चन में आगे डिवाइड कैसे करना है, फोकस. क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू. हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है. सोल्व करने के बाद एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कैसा, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. बेटा मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो फॉर्म जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब वो आपस में डिवाइड नहीं होते. क्लियर है. दूसरी बात, हमारा माइनस अगर कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, न्यूमरेटर में. क्लियर है. फोकस. नाउ क्वेश्चन, 10/3 डिवाइडेड बाय -35/12. हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, बाद वाले का उल्टा, 12 बाय -35. क्लियर है, कुछ कट रहा है, 3 1 3, 3 4 12, 5 2 10, 5 7 35. क्लियर है, क्या बचा, 4 2 8, 7 1 7, प्लस इनटू माइनस माइनस. मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन में क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म. उसमें क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कुछ कट रहे, 8 और 7 नहीं कट रहे, वेरी गुड. नेक्स्ट हमारा माइनस का है, नीचे कहाँ लगा देंगे, ऊपर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर है. फोकस पार्ट नंबर 4, 40/98 डिवाइडेड बाय ओनली क्या है, -20. क्या लिख सकते हैं, -20/1. क्लियर है. पहले वाला एज इट इज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, बाद वाले का उल्टा, 1/-20. क्लियर है. 21 20, 22 40. क्लियर है. क्या बचा, 2 1 2, 98 1 98, प्लस इनटू माइनस माइनस. ध्यान दो सभी, कुछ कट रहे कट रहे, 2 1 2, 2 4 8, क्या बचेगा, 1 1 और 8, 18, 2 9 18. क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप, नीचे गए माइनस, शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, ऊपर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है. आपको पहले डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सभी को समझ में आया. Now we are doing some more questions. Focus on the board.
बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, दीज आर द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, हमसे क्या पूछता है, द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट 15। बेटा दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कितने गिवन है हमको, 15। आगे बढ़ो, इफ वन ऑफ द नंबर इज व्हाट -10, दो में से कोई एक नंबर कितना है -10, हमें क्या निकालना है, फाइंड द अदर नंबर, हमको चाहिए ये नंबर कितना होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या x, सभी पढ़ो, लेट द अदर नंबर बी x, हमने इसको क्या मान लिया x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम -10 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि क्या मिल जाए 15। हमने क्या किया, अदर नंबर को क्या मान लिया x, -10 किसमें है मल्टीप्लाई, किसमें चला जाएगा डिवाइड, क्लियर है। 5 3 15, 5 2 10, क्या बचा ऊपर 3 नीचे -2। मैंने आपको बताया था माइनस कभी भी नीचे नहीं रखना, कहाँ रखना है ऊपर, हमने क्या किया माइनस को शिफ्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। अगर मैं मेरे गिवन नंबर को इससे करूं मल्टीप्लाई तो कितना आएगा मेरा आंसर, विल बी 15, क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, मतलब -1/6 की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि सो डैट द मल्टीप्लाई में बी, ताकि जो मल्टीप्लाई आए वो कितनी आए -23/9। दोबारा सुनो बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, मतलब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करें ताकि हमें क्या मिले -23/9। तो हमने क्या मान लिया, जो हमें रिक्वायर्ड है हमने उसको क्या मान लिया x, क्लियर है। जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, क्लियर है। फोकस, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, इसको x मान लिया, उसके बाद नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्लियर है। 3 2 6, 3 3 9, माइनस से माइनस कट, क्लियर है, कुछ और नहीं कट रहा। 23 2 46, 3 1 3, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। आई बस ऑन में फोकस, इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन, By what number should this be divided? मतलब -33/16 को हम किससे डिवाइड करें ताकि हमें क्या मिल जाए -11/4। दोबारा पढ़ते हैं, By what number should this be divided? मतलब हम इसको किससे करें डिवाइड ताकि क्या मिल जाए -11/4, क्लियर है। हम इसको क्या मान लेंगे x, क्लियर है। हमने क्या माना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ये एज इट इज x, एज इट इज ये एज इट इज, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, x के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान सकते हैं 1, अभी समझाया था पहले वाला एज इट इज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, बाद वाले का उल्टा, x बाय 1 का उल्टा 1/x, दिस एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, x एक तरफ नंबर एक तरफ, कैसे 16 गए नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, -33 गए ऊपर कहाँ जाएगा नीचे, क्लियर है। काटना स्टार्ट करो, 4 1 4, 4 4 16, 11 1 11, 3 जा, क्लियर है। क्या बचा -(+-), 4 1 4, क्लियर, +(-), 3 1 3, क्लियर है। माइनस से माइनस कट, कितना बच गया 4/3, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये किसकी वैल्यू है 1/x की, हमें क्या चाहिए था x, दैट मीन्स इसका उल्टा, दैट मीन्स इसका उल्टा। 4/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/4, 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा x, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। आई पास उन्होंने सभी को, इन दिस वे यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। Now we are doing some more questions, focus on the board.
बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है बेटा, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड व्हाट एक्स प्लस वाई, फाइंड व्हाट एक्स माइनस वाई, फिर दोनों को क्या करना है, डिवाइड। बेटा ध्यान दो सभी, पहले हम क्या निकालते हैं हमारा एक्स प्लस वाई। बेटा हमारा देखो ध्यान दो सभी, एक्स कितना है 2/3, वाई कितना है 3/2, बिल्कुल ईजी है, सभी ध्यान देंगे। 3 और 2 एलसीएम इज व्हाट 6, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6, 3 3 9, कितना आया 13/6, क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, x माइनस वाई, x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 3/2, क्लियर है। x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 3/2, क्या लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 2 4, 2 3 3 3 9, कितना बचेगा, हाउ मच 5/6, बड़ा कौन है माइनस का। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, जो आंसर आया था प्लस वाला डिवाइड व्हाट जो आंसर आया था माइनस वाला, चेक करो सभी, प्लस डिवाइड बाय माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस, क्लियर है। 13/6 डिवाइड किसे गए, मल्टीप्लाई बाद वाले का उल्टा 6/-5, क्लियर है। 6 × 6 कुछ और कट रहा है 13 और 5, नहीं कट रहे, 13 × 13, 5 × 5, प्लस इंटू माइनस माइनस, ध्यान देंगे सभी, माइनस का है नीचे, हम क्या लगाएंगे ऊपर, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर बेटा, समझ में आया सभी को। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स आपको सेल्फ ट्राई करने हैं और उसके बाद पीडीएफ से मैच करने हैं, क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान दो सभी, कॉस्ट ऑफ दिस मीटर ऑफ रोप इज दिस, मतलब बेटा इतने मीटर लंबी रस्सी की कीमत इतनी है, ध्यान दो सभी, ये कैसी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसे, 7 3 21, 21 + 2 23/3, इन द सेम वे 12 4 48, 48 + 3 51/4, मतलब बेटा इतने मीटर लंबी की, इतना मीटर लंबी रस्सी की कीमत इतने रुपए है, हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट पर मीटर, एक मीटर लंबी रस्सी की कीमत क्या होगी, हम क्या करेंगे, हमने जो कॉस्ट गिवन है डिवाइड बाय टोटल लेंथ, बेटा हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, हमको जो कॉस्ट गिवन है वो ऊपर नीचे, हमारी रस्सी कितने मीटर लंबी है, हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैसे निकाली, ऊपर टोटल कॉस्ट, नीचे रस्सी कितनी थी 23/3, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाला एज इट इज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाद वाले का उल्टा, दैट मीन्स 3/23, कुछ नहीं कट रहा, 3 × 3, 3 × 5 = 15, क्लियर है। 3 × 4 = 12, कैरी 1, 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, मिक्स फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे चेंज किसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सिखाया था आपको, क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या होता है, क्यू आर बाय डी, ध्यान दो सभी, क्वेश्चन कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 61, डिवीजर कितना है 92, हमने क्या किया तीनों वैल्यू को उठा के कहाँ रख दिया, फॉर्मूले के अंदर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब एक मीटर लंबी कहाँ गया, हाँ एक मीटर लंबी रस्सी की कीमत कितनी है, इतने रुपए है, क्लियर है, आई पास ऑन में, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको इस तरह बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं, जब आपसे पूछा जाए 1 मीटर या 1
लाइक थिंग अगर आपसे पूछा जाए एक चीज़ की कीमत, मतलब उस चीज़ का एक यूनिट कितने की होगी, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज नंबर 5.5 बेटा, जिसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड व्हाट सेक्स रैशनल नंबर बिटवीन व्हाट बेटा -4/8 एंड 3/8। बेटा हमको गिवन है दो रैशनल नंबर -4/8 और 3/8। हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर। फर्स्ट स्टेप हमको चेक करना होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाओ बाय टेकिंग एलसीएम। सेम है बहुत अच्छी बात है, -4/8 एंड 3/8। क्लियर है? सेकंड स्टेप चेक करो ऊपर गैप कितने का है, -4 के बाद क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, उसके बाद क्या आएगा, 3। क्लियर है? चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें कितने चाहिए थे, 6, कितने आ गए, 6। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको क्या करना है, सभी के नीचे क्या लगा देना है, 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट मीन्स these are the required rational number between -4/8 and 3/8। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका पहला स्टेप आपको चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सेम है अच्छी बात है, सेम नहीं है सेम बनाओ बाय टेकिंग एलसीएम। क्लियर है? उसके बाद चेक करो ऊपर गैप कितने का है, ऊपर गैप हमें चाहिए था कितना, 6, आया कितना, 6। डैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाय चांस अगर हमारे जो नंबर चाहिए, हमें चाहिए 7, आ गए 6, डैट मीन्स अगर हम बात करूं, मुझे चाहिए 7, मुझे मेरा आंसर कितने में आए, 6, तो हमारा काम होता है, हम क्या करते हैं, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 से मल्टीप्लाई, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारे रैशनल नंबर बहुत सारे आ जाएं, और हम क्या करें, जो हमें चाहिए हम वो लिख लें। जैसे -40 के बाद क्या आता है, -39, -38, अप टू कहाँ तक, व्हाट, 29/80। इस तरह आपको रैशनल नंबर मिलेंगे बहुत सारे, जिसमें से आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा क्लास 8th के अंदर। अभी आपका क्वेश्चन सिंपल है, आपको जस्ट एलसीएम के लिए चेक करना है और अपना आंसर लिखना है। ऐसा क्वेश्चन 8th क्लास में आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। सभी ध्यान से पढ़ेंगे, बिटवीन एनी टू, डिस्टिंक का मतलब होता है अलग, मतलब हमको गिवन है दो अलग इंटीजर्स, हमको क्या बताना है, देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब दो इंटीजर के बीच में हमेशा एक इंटीजर होता है, हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। हम बोलेंगे ऑलवेज नहीं होता, होता तो है लेकिन ऑलवेज नहीं। आप पूछोगे कैसे, सुनो बेटा, जीरो क्या है, इंटीजर, टू क्या है, इंटीजर, दोनों के बीच में क्या आ गया, वन, ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम बात करूं जीरो और वन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। आई बात समझ में? उसने लिखा था ऑलवेज, उसने बोला था हमेशा होता है, हमने बोला हमेशा नहीं होता। जीरो और टू है, जीरो और वन नहीं है, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर है? फोकस। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, अगर मैं मानूं दो रैशनल नंबर तो उनके बीच में क्या पूछ रहा है, देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। थर्ड क्या पूछ रहा है, देयर आर इन्फाइनाइट रैशनल नंबर, मतलब दो के बीच में कितने होते हैं, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट मतलब
अनगिनत, हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। क्यों? जीरो क्या है? रैशनल नंबर। वन क्या है? रैशनल नंबर। इन दोनों के बीच में कितने रेसिमल होते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत। जितने लिखोगे उतने कम है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये गिनती कभी नहीं रुकेगी। डेट मीन्स दो रेशनल नंबर के बीच में उसने क्या बोला था? देर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल होता है, और एक के साथ साथ कितने होते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत। क्लियर है? आई बात समझ में? इन दिस वे हमारा पहला ट्रू फॉल्स फॉल्स था, लेकिन बाकी दोनों ट्रू फॉल्स ट्रू थे। क्लियर है? आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली ट्राई करने हैं और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है एमसीक्यूज। आपकी बुक में 15 एमसीक्यू हैं, 15 एमसीक्यूज आर देयर, ऑल एमसीक्यूज आर वेरी इजी। आपको एमसीक्यू ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद आपको मिलेगी पीडीएफ, पीडीएफ से मैच कर लेना और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना। इन दिस वे वी हैव डन आवर चैप्टर 5 कंप्लीट। सो योर टास्क इज टू डू कंप्लीट चैप्टर 5 अप टू मंडे। मंडे तक सभी का चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।